आईपीएल 2022 का 39वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां राजस्थान रॉयल ने इस मैच को 29 रन से अपने नाम कर लिया है। इस मैच पे कप्तान फैफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल की टीम ने रियान परा की अर्धशतक की पारी के बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए और आरसीबी को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही 115 रन बनाकर महज ढेर हो गई। लेकिन देखा जाए तो प्लेऑफ की रेस के लिए मुकाबला नहीं जनाब, महामुकाबला था, क्योंकि इस मुकाबले से पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा बवाल हो गया है। न केवल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मुश्किलें बढ़ी है, बाकी टीमों का भी हाल बेहाल हो गया है। आइए जानते हैं इस मुकाबले के बाद और राजस्थान रॉयल की जीत के बाद क्या है बाकी टीमों का हाल, कैसे दूसरी टीमों की मुश्किलें बढ़ी है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पूरी पॉइंट टेबल। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है राजस्थान रॉयल के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, पॉइंट टेबल के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही कि कैसे राजस्थान रॉयल की एक जीत ने पूरे पॉइंट टेबल में बवाल खड़ा कर दिया है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं बाकी टीमों को भी प्रभावित किया है। आइए उससे पहले एक छोटी सी नजर डालते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के प्रबल दावेदारों पर। ऑरेंज कैप की रेस में जॉस बटलर 499 रन बनाकर पहले पायदान पर है और जो कि राजस्थान रॉयल की तरफ से ही आते हैं। पर्पल कैप में भी राजस्थान रॉयल की तरफ से आने वाली युजवेंद्र चहल 18 विकेट लेकर पहले पायदान पर है। लेकिन अब आइए जानते हैं इस पॉइंट टेबल के बारे में। वैसे पॉइंट टेबल में हम पहले उन दो टीमों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। मुंबई इंडियंस जो कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है 8 मुकाबले खेलकर 8 मुकाबले हारकर 0 पॉइंट के साथ में। अब ये टीम 6 मुकाबले और खेलेंगी, 6 में से 6 जीत भी जाती है तो 12 पॉइंट होंगे जो कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है, आप बाहर हो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या समीकरण बनते हैं, उन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 4 पॉइंट इनके पास हैं, बचे हैं इनके पास भी 6 मुकाबले। अगर 6 के 6 मुकाबले जीत जाती है तो आप 12 पॉइंट अचीव कर सकते हैं और 4 आपके पास पहले से, यानी कि 16 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई तो कर सकते हो लेकिन आपको बचे हुए सारे मुकाबले यहां से जीतने होंगे। 8वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है जो 8 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 6 पॉइंट इनके पास में भी है। कोलकाता नाइट राइडर के भी बचे 6 मुकाबले हैं और 5 मुकाबले उन्हें हर हाल में जीतने जरूरी है तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगी। दिल्ली कैपिटल 7वें पायदान पर हैं जो 7 में से 3 मुकाबले जीती है, 6 पॉइंट इनके पास में भी। दिल्ली को भी 7 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे तब जाके वो 16 पॉइंट कलेक्ट कर पाएंगी। पंजाब किंग्स 6वें पायदान पर है, 8 में से 4 मुकाबले जीतकर 4 मुकाबले हारकर 8 पॉइंट के साथ में ये 6 नंबर पर है। इन्हें भी अभी तक 6 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले भी अगर आप जीतते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगी, यानी कि पंजाब किंग्स के थोड़े चांसेस यहां से बन जाते हैं। लेकिन अब बात आती है राजस्थान रॉयल और कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो राजस्थान रॉयल की जीत के साथ ही वो पहले पायदान पर पहुंच चुकी है, 8 में से 6 मुकाबले जीतकर 2 मुकाबले हारकर 12 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर है और इस टीम का अब क्वालिफाई करना भी लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि इस टीम को अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये टीम केवल 2 मुकाबले भी जीतती है तो ये क्वालिफाई कर जाएंगी 100%। और राजस्थान रॉयल की फॉर्म को देखकर ऐसा लगता है 6 में से 2 मुकाबले तो बड़े आसानी से जीतेंगी। गुजरात टाइटंस भी बहुत ही शानदार फॉर्म में है, दूसरे पायदान पर है, 7 में से 6 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 12 पॉइंट इनके पास में है। इन्हें अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं और 7 में से इन्हें केवल 2 मुकाबले जीतने हैं जो कि ये भी कर जाएंगी, यानी राजस्थान और गुजरात का प्लेऑफ में जाना यहीं से तय माना जा रहा है। अब तीसरे और चौथे पायदान की लड़ाई है। तीसरे पायदान पर सनराइजर हैदराबाद फिलहाल पॉइंट टेबल में बनी हुई है जो 7 में से 5 मुकाबले जीती है, पॉइंट के साथ में ये टीम तीसरे पायदान पर है। इस टीम को भी अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से केवल 3 मुकाबले जीतने हैं, अगर ऐसा करती है तो फिर ये पॉइंट टेबल में जगह बना लेंगी। लखनऊ सुपर जॉइंट्स 8 मुकाबले खेल चुकी है, 5 मुकाबले जीतकर 10 पॉइंट के साथ में चौथे पायदान पर बनी हुई है। इस टीम को भी अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और केवल 3 मुकाबले जीतने हैं जो कि ये टीम कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो कि 9 मुकाबले खेल चुकी है, 5 मुकाबले ये भी जीत चुकी है और 10 पॉइंट इनके पास में भी है, लेकिन अब इन्हें केवल और केवल 5 मुकाबले खेलने हैं
और 5 में से 3 मुकाबले इन्हें हर हाल में जीतने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अब ये कि टॉप 5 टीमों का आपसी मुकाबला बहुत ज्यादा होगा, यानी कि टॉप 5 की टीमें आपस में बहुत ज्यादा भिड़ने वाली है आगे आने वाले मुकाबला, इसीलिए कुछ टीमें तो वहीं से डायरेक्ट क्वालिफाई में चली जाएंगी और कुछ टीमें तो नीचे आ जाएंगी जहां पर वो दिल्ली, कोलकाता, पंजाब इनके साथ भिड़ती हुई दिखाई देंगी। यह है आईपीएल 2000 पॉइंट टेबल, कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंज बैंगलोर की राजस्थान रॉयल के हार के बाद। आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।